जोहार में लिखा हुआ है, जोहार में दबा हुआ है। हम सब ने मिलकर के आज ये जो जोहार की शुरुआत की, हमने नहीं, हमारे पूर्वजों की देन है। और जो पूर्वजों के जोहार शब्द को जैसे ही बोलना चालू किया, पूरा देश का आदिवासी एक जागम पर आ गया। और पूरे देश का आदिवासी आज की तारीख में अपने आप में बोल रहा है आदिवासी। अब आदिवासी का मतलब भी हमारे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग अर्थ निकालते हैं, लेकिन आदिवासी का मतलब आदो आदना धैर्य, दो मूंगा धैर्य, धरती ना मालिक, भारत देश में धरती ना मालिक, भारत देश में धरती ना मूल बीज, मूल मालिक। आज जागरण पे बेटा तो दूसरा ने पेट में गुड़गुड़, अपने आप में दर्द होने लग गया है। आज हमको समझने की जरूरत है, आज हमारा समाज दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है धर्म। हम सबसे ज्यादा धर्म में खोया हुआ है, डुबा दिया है हमारे को, कहीं ना कहीं धर्म की अंधभक्ति की जो तुमड़िया है, उन तुमड़ियों को समझने की जरूरत है। यह आज की तारीख में दिलीप सिंह के नाम पर हमारे आदिवासियों को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। आज के समय में यह शुरुआत बहुत पहले से इन लोगों ने करी। जब ये लोग बाहर से आए तो हमारे भारत देश के जमीन के ऊपर इनका नजर पड़ी, भारत देश की अमूल्य संपत्ति के ऊपर नजर पड़ी, जंगलों के ऊपर नजर पड़ी, नदी पहाड़ों के ऊपर नजर पड़ी, तो इन्होंने सोचा इन आदिवासियों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए। बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने धर्म की शुरुआत करी। और आज आदिवासियों को किसी ने भगवे झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, आदिवासियों को किसी ने बाबा रामदेव के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, आदिवासियों को ईसाई मिशनरी के झंडे के नीचे खड़ा कर दिया, आदिवासियों को मुस्लिम समुदाय की कम्युनिटी से जोड़ते हुए बांट दिया। तो ये हमको समझने की जरूरत है, आदिवासी ये जितनी भी धर्म है, इससे धर्मपूर्वी आदमी है, धर्मपूर्वी लोग है, समुदाय है। धर्म बाद में आए, हमारा आदिवासी इससे पहले से है। आज ननामा है, ननामा शादी ब्याह या और भी कोई कार्यक्रम होते हैं तो पीपल पूछते हैं, पीपल पूछने वालों के आपस में रिश्ते नहीं होते, ये ऐसे हमारे ननामा की पहचान है। इसी तरह से कटारा की हिंत्री रुकड़ा है, हिंत्री पेड़ है, उसको पूछते हैं, उनकी धरार माता अपने कुल देवी है। इसी तरह से चरपटा वो आम पूछता है, उसकी अंबार माता है, मैणा है, उसकी करमड़ी पूछता है, उसकी अपने गढ़ खगई माता है। इस तरह से हमारी अपनी कुल देवी, कुल देविया है, कुल मताई है, इसको भुला दिया इन लोगों ने। आज हमको फिर से जागृत करना है, जागृत कर रहे हैं धीरे धीरे आदिवासी परिवार। आज पूरे देश का आदिवासी समझ चुका है कि ये जो धर्म है, धर्म के तुमड़िया लेकर के आने वाले लोग है, ये केवल हमारे आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से कोई आसाराम बापू की भक्ति पकड़ाता है, कोई ईसाई मिशनरी वाली भक्ति पकड़ाता है, इन सब के पीछे एक ही कारण है मेरे साथियों, हमारे आदिवासी देश के मालिकों की जमीन को छीनना। आज अलग अलग तरीके से आदिवासियों की जमीन को छीनने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाइयों। आज हमारा यह जो एरिया है, अंग्रेजों में जब अंग्रेज हमारे भारत में आए, भारत में आकर के हमारे इस क्षेत्र से टकराए, इस एरिया के आदिवासियों से टकराए, भील आदिवासियों से टकराए, तो उनको मात खानी पड़ी और यहां से भागना पड़ा। हमारे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही जो जिला है, इस जिले के आदिवासियों ने कभी भी अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेके, उनसे मुकाबला किया और हमारे एरिया का कानून बनाया, हमारे गांव में हमारा राज। आज हमारा गांव में हमारा राज जो कानून है, वो कुछ कानून को तोड़ने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दिन रात प्रयास कर रही है, उस कानून को तोड़ करके आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीनने का प्रयास कर रही है। मेरे साथी, हमको होशियार रहने की जरूरत है। ये पार्टियां हमारी नहीं है, ये राजनीतिक पार्टियां किसी न किसी पराए जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनकी बनाई हुई पार्टियां हैं। इन दोनों पार्टियों का मकसद है हमारे आदिवासियों की जमीन को छीनना। जिसे बाहर के धर्म लोग हैं, इनका भी उद्देश्य है हमारे आदिवासियों की जमीन को छीनना। कई सारे आज मेरे पास में अभी समय की कमी है, जिस तरह से आज यहाँ पांडा लगा हुआ है, ऐसा कैसा प्रतापगढ़ जिले में, वहां पर भी पूरा ब्लॉक स्तरीय चिंतन शिविर कार्यक्रम है। हमारे जो वरिष्ठ वक्ता है आज कहीं ना कहीं उलझे हुए, कहीं ना कहीं बाहर उनकी होने की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाए। हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता है, इन्होंने गर्वीर है, इन्होंने बोला नहीं दादा आपको आना ही पड़ेगा, आपको ये सारे जितने भी
पारस जो बुक है इसके पेज नंबर 525 पर लिखा हुआ है, इसके 320 नंबर का श्लोक है इसके ऊपर लिखा हुआ है, कोल किरात भील वनचारी फेरे फिरे जोहार जोहारी। यहाँ पर जितनी भी बातें हो रही है वो बिना